हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और आज हम इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं अपने उपनिवेशवाद और देहात का। और पहला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, होपफुली आपने वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देख लिया तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आप बेसिक चीजें हम बात कर लेते हैं जो जो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। प्लासी का युद्ध हमने बात कर ली थी, जो कि 1757 में हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। उसके बाद तीन प्रकार की कर व्यवस्था हमने बात करी थी, इस्तमरारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। इस्तमरारी बंदोबस्त को जमींदारी और स्थायी बंदोबस्त भी बोला जाता है, जिसे चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। फिर रैयतवाड़ी भी हमने डिस्कस कर लिया था। रैयतवाड़ी जो है दक्कन के क्षेत्र में इसको लागू किया गया था, और रैयत का मतलब होता है किसान। इसको थॉमस मुनरो द्वारा 1820 में लागू किया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था, जिसका मतलब होता है गाँव, महल का मतलब गाँव होता है, और इस व्यवस्था को उत्तर पश्चिम में लागू किया गया था 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बंगाल और अंग्रेजी शासन, मतलब सारा हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। जमींदार जो थे वो किस प्रकार कर नहीं दे पाते थे, क्या क्या चीजें थी, सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमने नीलामी की घटना भी बात कर ली थी। जोतदार कौन थे ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। जोतदार जो अमीर किसान हुआ करते थे, बटाईदार भी आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे बटाई पर लोगों को रखा जाता था जो कि किसानी किया करते थे यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं भाई यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी में पांचवी रिपोर्ट भी हमने डिस्कस कर ली थी, और जैसा कि बताया था कि पांचवी रिपोर्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। पहाड़ी लोग भी हम डिस्कस कर चुके थे, और अब हमारे को यहाँ से डिस्कस करना है भाई संथालों के बारे में, राइट। अब जैसे हमने बात करी थी भाई लास्ट हमारे वीडियो में कि जो पहाड़ी लोग थे, पहाड़ी लोग काफी ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे। अंग्रेजों ने नीति भी बनाई थी कि वहां पे वो पहाड़ी लोगों को हटा दें, या फिर पहाड़ी लोगों को ये बोले कि भाई वहां पे जाके तुम खेती करो। लेकिन पहाड़ी लोगों को ये लगने लगा कि भाई क्या होगा कि वो हमारे को हमारी जमीन से हटाना चाह रहे हैं, जिस वजह से क्या था कि पहाड़ी लोगों के बीच में अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेज हार गए थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ कि मासिक यहाँ पे ईयरली है ना, सालाना भत्ता देने की भी बात हुई थी कि तुम क्या है कि जमीन पर आक्रमण मत करो, मतलब जहाँ पे खेती वगैरह होती है वहां पे आक्रमण मत करो, उसके बदले तुम पैसे ले लेना, ठीक है। इसके लिए कुछ राजी हो गए, कुछ राजी नहीं हुए मुखिया। जो राजी हो गए उनको पद से हटा दिया गया, और जो राजी नहीं थे, ठीक है, वो पद पर बने रहे। अब इसी दौरान क्या हुआ कि एक समुदाय आया जिसे संथाल बोलते हैं, और पहाड़ियों को पीछे खिसकाने या फिर पहाड़ियों को पीछे हटाने का जो मेन मकसद था, ठीक है, अंग्रेजों का था, और वो संथालों को जमीन देके पहाड़ी लोगों को उस जगह से हटा देते हैं। पहाड़ी लोग जो थे वो काफी ज्यादा मेहनती हुआ करते थे, और काफी ज्यादा खतरनाक भी थे, ठीक है। फालतू में किसी से लड़ाई नहीं करते थे, लेकिन हाँ बाद में संथालों की लड़ाई हो गई थी अंग्रेजों के साथ, जिसमें संथाल हार भी गए थे। पहाड़ी समुदाय को सभ्य बनाने के लिए और कृषि के लिए प्रेरित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा किए गए कई सारे प्रयास किए गए, लेकिन किसी पर भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि मासिक भत्ता ले लो, उन्होंने बोला खेती कर लो, उन्होंने बोला आक्रमण मत करो, लेकिन कोई भी नहीं माना। सारी की सारी चीजें चलती रही जैसे पहाड़ी लोग करना चाहते थे। अब यहाँ पे क्या था कि अब अंग्रेजों को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो कि पहाड़ी लोगों को पीछे घसीट सके, जिसकी वजह से 1780 के दशक में क्या हुआ कि संथाल लोग बंगाल में आए। कहाँ पर आए? बंगाल में आए। अब ये संथाल लोग जब आए तो यहाँ पे क्या था कि इनके पास खेती नहीं थी। जमींदार जो थे वो क्या देते थे, इनको खेती देते थे और बोलते थे कि भाई तुम यहाँ पे खेती करो और कुछ हिस्सा ले लेना। अब जमींदारों ने इनको जब खेत दिया और इन्होंने खेती की तो फसल तो भाई बहुत बढ़िया आई। क्यों? क्योंकि जैसे हमने बात करी कि बहुत ज्यादा मेहनती भी हुआ करते थे, फसल भी बहुत ज्यादा अच्छी हुई। अंग्रेजों द्वारा इन्हें पहाड़ी इलाकों में बसाया गया। अंग्रेजों ने बोला कि तुम क्या करो, तुम पहाड़ी इलाके में जाके बस जाओ। और जो पहाड़ी क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र की इनके इन्होंने क्या किया कि सफाया किया पेड़ों का, और धीरे धीरे पहाड़ की ओर बढ़ते रहे, और इतने बढ़ गए कि यहाँ पे जो पहाड़ी लोग थे वो इनसे लड़ नहीं पाए, क्योंकि संथाल ऑलरेडी बहुत ज्यादा खतरनाक थे, ये लड़ नहीं पाए। और जो पहाड़ी लोगों की जमीन थी उनको ऐसी जगह पर जाना पड़ा कि जो पूरी क्या थी, बंजर थी, मतलब उनकी जो उनका जो जीवन था वो बहुत ज्यादा बेकार हो गया, किसकी? संथालों की वजह से। अब जो पहाड़ी क्षेत्र था वो किसके हाथ में चला गया? संथालों के हाथ में चला गया। अंग्रेजी सरकार ने संथालों को जमीन देकर राजमहल पहाड़ियों की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया। भाई राजमहल की पहाड़ियों पर ही तो रहते थे पहाड़ी लोग, जो कि झूम खेती किया करते थे। यहाँ पर जमीन के बहुत बड़े हिस्से को संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया, और इसे ही क्या बोला गया, दामीन ई को के नाम से जाना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि दामीन ई को क्या है। संथालों को जो भूमि दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, उसे ही दामीन ई को के नाम से जाना जाता है।
इस क्षेत्र के चारों ओर सीमाएं बनाई गई और नक्शा तैयार किया गया। इस क्षेत्र में आने के बाद संथालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अब देखो, क्योंकि संथालों के पास जमीन नहीं थी, रहने के लिए नहीं थी, घर नहीं थी, खेती के लिए जमीन नहीं थी, अंग्रेजों ने क्या किया कि पहाड़ी क्षेत्र जब इनको दिया तो मतलब वो दामिनी को इनको हो गया, मतलब दामिनी को मतलब जमीन का जो टुकड़ा दिया अंग्रेजों द्वारा, दामिनी को बोला गया। अब यहाँ पे जब इनके पास इंडिविजुअली जमीन आ गई तो इसका और भी जो ग्रुप था वो भी यहाँ पर आ गया। पहले कम थे, फिर और भी ज्यादा है, और भी ज्यादा है, मतलब इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। देखो कैसे 1830 में लगभग 40 के आसपास इनकी संख्या थी, उसके बाद 1891 में 1473, 1473 से बढ़ के कितनी हुई 3000, और 3000 से कितनी हो गई 82000। तो सोचो 40 लोग जो थे, 40 लोग आए और बाद में इनकी संख्या 82000 हो गई। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे इनको इंडिविजुअली जमीन मिल गई ना, जमीन मिल गई। अब जो अंग्रेजों का सपना था कि पहाड़ी क्षेत्र पर भी वो खेती करवाए, तो सपना उनका पूरा हो गया। वहां से उनको बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे पैसा भी मिल रहा है। संथालों के आने के बाद पहाड़ी लोगों का जीवन जो था वो उस पर बहुत ज्यादा पूरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनका जीवन जो था मतलब ऐसा हो गया कि भाई अब उनके पास ऐसी जमीन हो गई कि भाई अब वो बंजर है। मतलब पहाड़ी क्षेत्र पर संथाल गए, उनको पीछे खिसका दिया, और उनको इतना पीछे खिसका दिया कि वहां पे खेती नहीं कर सकते, और जीवन निर्वाह जो था वो किसके किससे कर सकते थे, वो जीवन निर्वाह किससे करते थे, पशुपालन है, ये जो झूम खेती वगैरह हुआ करती थी, और वो जो जंगली जो भी पेड़ पौधे थे या फिर जो फल फ्रूट थे उनसे अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। अब जैसे हमने बात करी कि भाई संथाल लोग जब व्यापार करने लगे तो इनका जो व्यापार था बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, मतलब खेती बहुत ज्यादा होने लग गई। अब खेती जब होने लग गई तो इन्होंने वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे, मतलब ऐसी खेती करने लगे जहां से इनको पैसा मिलेगा। और इन्होंने क्या कर दिया, व्यापार करना शुरू कर दिया, व्यापारियों साहूकारों के साथ लेन देन करना शुरू कर दिया कि जो हम फसल उगा रहे हैं उसको तुम बेचो, मतलब उनको हम तुम्हें बेच रहे हैं, तुम उसके बदले हमारे को पैसे दो, जो भी ये सिनेरियो चलता था। इसी दौरान अंग्रेजी शासन द्वारा कर में वृद्धि कर दी गई और साहूकार भी प्याज की दरें जो थी वो ऊंची करने लगे। अंग्रेज ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, साहूकार जो है वो क्या कर रहे हैं और भी ज्यादा ब्याज ले रहे हैं। अब दोनों चीजें बढ़ गई भाई। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, ब्याज भी बढ़ा रहे हो, कर भी बढ़ा रहे हो, तो संथालों को दिक्कत तो होनी ही होनी है, उनको दिक्कत भी हुई। ऐसी स्थिति को देखते हुए 1850 के दशक में जमींदारों, साहूकारों और अंग्रेजों के विद्रोह, अंग्रेजों के विरोध में उन्होंने विद्रोह कर दिया। किसने विद्रोह कर दिया? संथालों ने कर दिया। इस विद्रोह का परिणाम स्वरूप संथाल परगना नामक क्षेत्र का निर्माण हुआ। जब ये विद्रोह हुआ तो यहाँ पर एक इस विद्रोह के रूप में एक परगना जो क्षेत्र है, ठीक है, हाँ, एक परगना जो क्षेत्र है उसका निर्माण हुआ। अब यहाँ पे एक और चीज पूछा जाता है कि कुदाल से खेती करते थे पहाड़ी लोग और हल से कौन करता था? संथाल लोग, ऐसा पूछा जा सकता है। कुदाल से कौन करते थे पहाड़ी लोग और हल किसका था? संथालों का था। रैयत वाड़ी हमने बात कर ली कि रैयत वाड़ी 1820 में थॉमस मनरो द्वारा इसको लागू किया गया था दक्कन के क्षेत्र में। अब यहाँ पे इस प्रकार क्या था, किसानों पे बहुत ज्यादा कर लगाए गए, कर चुका नहीं पाए। कई बार क्या हुआ, कर चुकाने के लिए किसानों द्वारा साहूकार से उधार लिया गया, लेकिन वो कर्ज नहीं चुका पाए तो कर्ज के दले दब गए, बहुत ज्यादा समस्या होने लगी। इसी दौर में आगे जाके बड़ा अकाल पड़ा, जिसकी वजह से कृषि उत्पादन में कमी आई और अंग्रेजी शासन द्वारा कर में कोई कमी नहीं की गई, इनको तो पूरा कर चाहिए था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इनके लिए एक मौका था, या फिर अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते हो, कपास की खेती। 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध हो गया, अमेरिका में गृह युद्ध हो गया, और ये जो कपास का व्यापार होता था इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में वो बंद हो गया। इसका फायदा कौन उठा सकता था? भारत उठा सकता था। इसी दौरान क्या हुआ कि भाई बहुत बड़े पैमाने पे किसानों ने क्या किया, साहूकारों से और भी ज्यादा पैसा ले लिया। क्यों? क्योंकि उनको अब कपास की खेती करनी, उन्हें पता है कि वो कपास की खेती करेंगे और वो बेचेंगे तो उनको मुनाफा होगा। उन्होंने सेम किया, कपास के लिए उन्होंने पैसे लिए, कपास की खेती भी की। व्यापार जैसे ही स्टार्ट हुआ वैसे ही अमेरिका में गृह युद्ध खत्म हो गया। अब जब गृह युद्ध खत्म हो गया तो मतलब क्या था कि उन्होंने ऑलरेडी ब्याज पर पैसे ले लिए थे, फसल भी हो गई थी, लेकिन बेच ही नहीं पाए। यहाँ पे और भी ज्यादा समस्या हो गई, मतलब वो क्या हुआ कि भाई इतना कर्ज था कि भाई कपास की मांग जो थी वो ना के बराबर हो चुकी थी। इसकी वजह से दक्कन दंगा हुआ। क्या हुआ? दक्कन में ही तो लागू था ना ये, तो दक्कन में दंगे हुए। 12 मई 1875 को किसानों ने विद्रोह की शुरुआत की।
यह विद्रोह साहूकार और अंग्रेजों के विरोध में था, क्योंकि भाई साहूकार पैसे ले रहे थे और अंग्रेज जो थे टैक्स में कमी नहीं कर रहे थे। इसकी शुरुआत कहां पर हुई? पुणे में एक जगह है जिसका नाम है सुपा, वहां से इसकी स्थापना हुई या फिर स्टार्ट हुआ। इस विद्रोह में बहुत सारे साहूकारों को मार दिया गया, उनके खेतों को जला दिया गया, माल गोदाम को लूट लिया गया, और इसे सबसे बड़े दंगों में से एक कहा जाता है दक्कन में। कई साहूकारों की जान गई इस दंगे में और बड़ी मात्रा में संपत्ति का नुकसान भी हुआ, और जितने भी दस्तावेज थे सारे दस्तावेज रैयतों द्वारा जला दिए गए। जितना अनाज वो लूट सकते थे सारा अनाज लूट लिया और दुम दबा के साहूकारों को वहां से भागना पड़ा। यहां तक क्लियर हो गया, चैप्टर भी हमारा क्लियर हो गया, राइट? होपफुली कोई डाउट नहीं होगा, इजी था यहां तक। साहूकार ऐसा था ना कि साहूकार जो थे वो क्या थे, ब्याज पर पैसे देते थे किसानों को। अब क्या हुआ कि जो किसान थे, किसानों ने क्या किया, ब्याज पर पैसा ले लिया। अब जब ब्याज पर पैसा लिया, अब देखो क्या था कि कर में कोई माफी नहीं थी, ब्याज जो था वो बढ़ता हुआ जा रहा था, किसान ये सारी चीजें कर नहीं पाए, है ना। अब क्या था कि भाई यहीं पे एक मौका मिला कि अमेरिका में जब क्या हुआ कि अमेरिका में जब गृह युद्ध हुआ, तो गृह युद्ध के दौरान क्या हुआ, उनके पास एक मौका था कि भाई अब क्या करें, वो कपास की खेती करें। क्या करें? कपास की खेती करें। कपास की खेती करने के बाद क्या होगा कि भाई अमेरिका इंग्लैंड में जो कपास बेचना था वो बेच देते। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब इन्होंने कपास की खेती करनी थी तो क्या किया कि ब्याज पर पैसे ले लिए साहूकारों से, ठीक है। और जब इन्होंने कपास की खेती की तो अमेरिका में गृह युद्ध खत्म हो गया, तो कपास का व्यापार जो इन्होंने करना था वो कपास का व्यापार नहीं कर पाए, पैसे जो लिए थे वो फंस गए। अब कर्ज के तले और भी ज्यादा दब गए। इसी वजह से क्या हुआ कि दक्कन दंगा हुआ, जो कि पुणे में सुपा नामक जो जगह है वहां से स्टार्ट हुआ। अब भाई क्या था कि अंग्रेज कर में माफी नहीं करे थे और ब्याज बढ़ता हुआ जा रहा था, जिसकी वजह से रैयतों ने क्या किया, सीधा आक्रमण कर दिया साहूकारों पर और वहां पर उनकी संपत्ति को नुकसान किया, दस्तावेज को जला दिए गए, साहूकारों को मारा गया और जितना अनाज था वहां पर लूट लिया गया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा संपत्ति को हानि पहुंची थी। अब क्लियर, राइट? चलिए, होपफुली की वीडियो समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इसको यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास।